छप्पन पश्चिम नागपुर विधानसभा चुनाव 2024 के निर्दलीय उम्मीदवार हबीब राजा बेग एक आजाद उम्मीदवार है और एक आजाद उम्मीदवार पब्लिक का उम्मीदवार होता है। राजा बेग ने एक निस्वार्थ समाज सेवक है जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की काफी मदद की, जिसके चलते उनका नाम जनता में काफी चर्चे में था। किट्टीकदान जैसे इलाकों में इलेक्ट्रिक पोल, बुद्ध विहार की प्रसाधन व्यवस्था, कुआं, ये तीन उपलब्धियां जल्द से जल्द करवाने का वादा किया है। साथ ही शिक्षण, बेरोजगारी, महिलाओं की समस्याएं जो कि 20-25 साल से किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया, उसका भी उन्होंने जनता से वादा किया है। उनकी पदयात्रा के दौरान कुतुब शाह नगर, शीला नगर, गिट्टी खदान, फ्रेंड्स कॉलोनी में लोगों का भरपूर जन प्रतिसाद मिला है। इस बार इस सही बंदे को चुनाव में जिताकर अपनी समस्याओं का हल पाने की उन्होंने जनता से अपील की है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पश्चिम नागपुर जो है, पश्चिम नागपुर छप्पन जो है, इसके अंदर की जो मौजूदा स्थिति जो ये है, ये एक खोखला डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हमेशा रहा है। सिर्फ यहाँ रोड, नाली, गटर, गट्टू, सीमेंट, बस इसी की राजनीति हुई जो कि कॉर्पोरेटर का काम है। और ये काम तो हमारे श्री राजा बेग साहब जो छप्पन नागपुर से क्रेन के सिंबल पे खड़े हुए, तो सिर्फ एक फोन पे काम कर देते। पश्चिम नागपुर का एक बेल्ट देखिए तो यहाँ पे 90% जो है लिटरेसी रेट हायर है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोगों के घर, कोई भी समाज का, मुस्लिम समाज चले जाओ या रविनगर, चंपारण, शंकर नगर, धर्मपेड़ा, बीकर कहीं भी जाओ, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट हाई होता क्या है। अमूमन यहाँ पे हमारे पश्चिम नागपुर के ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, कोई पुणे चले जाता है, कोई बॉम्बे, कोई बैंगलोर चले जाता है। पश्चिम नागपुर में जॉब का है, आपके आपने अभी तक जॉब के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जॉब को एनकरेज करने के लिए क्या किया? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है बिल्कुल नील हो चुकी है। करते हैं, उसका रीजन ये है कि उन्होंने जो काम करे है ना, वो कोई जात देखते ना धर्म देखते, आज उनके कार्यालय में सब लोग आते हैं तो हर किसी की मदद करते है। कोई पद पे नहीं है, यानी कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लड़ने के पहले उन्होंने जो काम करे है, शायद ही कोई काम देख के हम लोग को मान कपूर हो गया हमारा यापन नगर ठीक है, हर जगह पश्चिम नागपुर नागपुर बोलो या फिर नागपुर शहर का कोई व्यक्ति उनके पास में आता है तो हर किसी की मदद करते हैं। तो ये अभी ऐसा है तो ये स्वभाव देख के हम लोग उनको वोट देते जब बोलो जब अपना साथ देते हैं, मगर इसके हम लोगों ने क्या अपना रोक का काम किए हैं, लॉकडाउन में अनाज वगैरह दिए हैं और बाकी जो सब आते हैं बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करते। बाकी के नेता अभी अभी ऐसा है, हमारे को अभी राजा बेग के ऊपर में बहुत भरोसा है और हम उनको ही लेकर आएंगे चुन के। आप आजू बाजू की बस्तियों पे अगर कैमरा फोकस करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो नाले के बाजू रहने वाले लोग हैं आज भी परेशान हैं, झोपड़ों से लोग परेशान हैं, यहाँ के मच्छरों से लोग परेशान। अभी अपने एरिया में डेंगू मलेरिया इतना फैला था कि और चिकनगुनिया की जिसकी कोई हद नहीं, ना कोई फॉगिंग हुई ना कुछ हुई, लोगों के लाखों रुपए डॉक्टरों को चले गए। हमारे यहाँ आमदार ने कुछ करा ही नहीं है। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने इस पश्चिम नागपुर का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। और जिस हिसाब से समझ लो ये आमदार का वर्किंग रहना चाहिए, वो एक सिर्फ नगर सेवक के तौर पर हुआ, उन्होंने काम करे, आमदार के तौर पर कोई काम नहीं हुआ हमारे पश्चिम नागपुर में। तो इलेक्शन के टाइम पर ही ये सब दौरे दिखते हैं और नेता लोग दिखते हैं, उसके बाद में कोई नहीं दिखता। कि हमारा नेता यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, हमारे नेता को होना बड़ी कार घूमने के लिए, हमारा नेता अगर यहाँ तक आए तो गरीबों की सुनवाई होगी, सुनवाई नहीं है यहाँ पर किसी गरीब की। यहाँ पर इस बस्ती में राजा बेग साहब ने कोरोना के वक्त काफी अनाज बांटे, लोगों को दवाइयाँ दी। जमीन से जुड़ा हुआ नेता है राजा बेग, गरीबों के लिए कई बार दौड़ने वाला नेता है राजा बेग, गरीबों की इतनी सहायता करता है वो इंसान की जिसकी कोई हद नहीं है। आज भी अगर कोई भी काम अपना लेकर चले जाए उसके दरवाजे पर, उसके ऑफिस में, तो वो आदमी तत्पर दौड़कर उस चीज को अंजाम देता है, उसका काम करता है। इसलिए हमें जमीन से जुड़ा नेता चाहिए, हमको क्रेन चाहिए और हम क्रेन को वोट देंगे, क्रेन का बटन दबाएंगे।